रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो, मतलब यार कब से नंबर ट्राई कर रही हूँ तेरा मैं। लाइफ में ना रोज रोज जो नया स्यापा आ जाता है ना, मुझे समझ नहीं आता। क्या हुआ, मैं आऊँ? नहीं, तू रहने दे, हो जाएगा मैनेज। लिसन पलक, आई नीड टू टेल यू समथिंग। ये अंगद और रीवा का मैटर ना सीरियस होते जा रहा है। अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया ना, ये अंगद ले जाएगा रीवा को। कल हमारा जो प्लान है ना, एकदम सक्सेसफुल होना चाहिए, नहीं तो गई रीवा हाथ से। तू सही बोल रही है, ये अंगद को ना बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, काफी एक्सपीरियंस है वो इन सब चीजों में। आई स्वेयर। एक तो ना आई हेट इट व्हेन दीस नूंस ना ब्लेम यू फॉर एवरीथिंग। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, वो तुझे ब्लेम करते हैं। अब तो उनकी साइड मत लेना ये कह के कि अरे दे आर गोइंग थ्रू सम इमोशनल ट्रॉमा, ये वो, ये सब मत बोलना। मेरी और तुम्हारी मॉम की शादी हुई, लेकिन तुम दोनों मेरी बेटी नहीं हो। इनफैक्ट तुम्हारी मॉम मुझे छोड़ के चली गई थी। ब्लडी हेल, क्या हुआ? मैंने क्या बोल दिया ऐसे तुझे? आई ना, तू दोबारा उनकी साइड ले रही है। आज ना मैं आज खून कर दूंगी मैं इसका। मतलब मारेगी तू मुझे? आज बहुत बकवास हुई है। क्या बोला मैंने तुझे ऐसा यार? शर्म आती है तुम्हें? एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपके पास पैसे हैं? अगर हैं तो ये आपसे शादी कर लेंगे। आपके पास कोई सौतेला भाई है? अगर उनके पास पैसे उनसे भी शादी कर लेंगे, बेशरम है, ऐसा कुछ नहीं। गर्लफ्रेंड होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सक्यूज मी, कोई मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग सेल्फ मेड इंसान है यहाँ पे? क्योंकि सर उसे गोल्ड डिगर बुलाना चाहते हैं। डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें? आई एम डाइंग टू डू इट, पर मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काना बंद करो, मेरा पीछा मत करो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? यस। और तुम्हारे बच्चों को मैंने भड़काया? यस। मेरी बहन को कौन भड़का रहा है? तुम अपने बच्चों को यूज कर रही हो, तुम मेरी फैमिली से कनेक्ट कर रही हो, तुम और मैं भड़का रहा हूं। क्या हुआ, तुम वापस आ गई? हाँ, तुम तो चली गई था ना अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ। आई एम सॉरी, मेरे सौतेले भाई के साथ प्रेग्नेंट होके। देन व्हाई द फक आर यू बैक? क्या हुआ, पैसे खत्म हो गए? नन ऑफ योर बिजनेस। पर मैं अपने पेशेंट के लिए आई हूँ और यहाँ अपने क्लाइंट से मिलने आई हूँ। ओह राइट, आई एम सॉरी, दैट्स द राइट वर्ड। तुम यहाँ अपने क्लाइंट के लिए आई हो। सभी क्लाइंट है ना तुम्हारे? मैं भी था। मैंने भी ऐसी शादी कर ली यार तुमसे, क्लाइंट ही बना लेती। क्लाइंट, बहुत मेहनत से घर चलाती हूँ मैं अपना। अनलाइक यू, मेरे पापा ने मुझे इंडस्ट्रीज नहीं दी है। हर कोई तुम्हारी तरह सोने की थाली में खाना नहीं खाता मिस्टर नून। इसीलिए सबकी सोने की थाली छीनती फिरती हो तुम। यूजिंग व्हाट? You know what? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लेवल पे I don't wanna stoop down. So just stay away from me. दूर रहो, get a life. Good. That's the door. जी डैड, कहाँ आया था? लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मनहूस पलक मिल जाती है मुझे। मैं आपके फिजियोथेरेपिस्ट से बाद में मिलूंगा। पलक शर्मा फिजियोथेरेपिस्ट? पलक मेरे रिकी का पीछा नहीं छोड़ेगी। पलक, क्या है और क्या सुनाना तुम्हें? तुम मेरे डैड की फिजियोथेरेपिस्ट हो। मेरे डैड को मालूम है? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उन्हें अगर मालूम होता कि तुम पलक हो तो वो कभी भी। वाय पलक, एक और झूठ किस लिए? जब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है तो क्यों मेरी फैमिली को हैरेस कर रही हो तुम? Why are you doing this to my dad? Why? Just shut up. I don't want to hear anything from you now. मेरी बात सुनो। मेरे डैड का दिल जीतने की कोशिश कर रही हो तुम? अपने बच्चों को पढ़ा पढ़ू के मेरे घर पे भेजने की कोशिश कर रही हो? विक्रांत की नजायज औलादों को मेरे कले पाड़ने की कोशिश क्यों कर रही हो? Shut up! Just shut up! तुम्हारा भाई शिवम है ना, वो लेके आया था मुझे। He requested me, he pleaded me, मिन्नतें की थी उसने मुझसे, इसलिए मैं आई वापस। और रही बात तुम्हारे बच्चों की,
तो जाके करा लो डीएनए टेस्ट। तसल्ली करो, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे वो, समझे? डेकोरेशन इज ऑन पॉइंट, लेकिन मुझे डीजे रॉकी चाहिए, बहुत सॉलिड बजाता है वो बंदा। मैं भी बहुत बजाता हूँ। अल्लाह को कौन क्या है? डैड की फिजियोथेरेपिस्ट कौन है? तेरा क्या था ना ये? इसको बोल रहे थे। क्या? मैं बताता हूँ भाई। भाई पापा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, वो मायूस होते जा रहे थे, पापा की हालत बहुत खराब है, टूट रहा है भाई। भाई ये नौटंकी बंद करना कर। अरे मारो मत, मारो मत, मारोगे तो मैं बोलूंगा कैसे, बोलने तो आप मुझे एक बार। देखो पा को ना फिजिकली के साथ साथ इमोशनली भी यू नो ट्रीटमेंट की जरूरत थी, और कोई भी डॉक्टर टिक नहीं पा रहा था उनके पास। सारे डॉक्टर अपने में फोटो उनकी घुमाए जा रहे कि ये पेशेंट सन की है, इसके पास कोई जाओ मत। मैं क्या करता, मैं कैसे भी करके उन्हें यहाँ ले आया। इतनी आसानी से मान गई वो? अरे कहाँ मानी वो, हाथ पैर जोड़ के मैंने मनाया उनको। और यू नो शी इज गुड एट हर वर्क। वो ऐसे नहीं मानी। वो मानी कैसे पता है आपको? उसने कहा कि वो किसी जमाने में उनके ससुर थे। फॉर हिम, फॉर पा, शी सेड यस। पा के लिए शी सेड यस। इतनी शरीफ नहीं है वो? हाँ हो सकता है शी डिड फॉर मनी। आजकल लोग ऐसे ही होते हैं पागल से, ये भी रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से बात कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा ये प्लान है? नहीं नहीं नहीं, देखो अरे भाई यू नो मी राइट, आप मुझे अच्छे से जानते हो ना, और मैं जानता हूँ कि किस तरीके से उसने आपका दिल तोड़ा था। मैं करूंगा ऐसे? हाँ मैं तो उससे दूर भागता हूँ, उसके पास तक जाने का नहीं सोचता हूँ मैं। पर भाई यू नो मैंने तो उसे पैसे भी ऑफर किए थे, उन्होंने क्या कहा आप जानते हो? उन्हें एक रुपया नहीं चाहिए। हाँ सच्चा ड्रामा क्वीन। पर यू नो भाई सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात ये है कि अगर उनका बॉयफ्रेंड इतना पैसे वाला है तो फिर वो अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी रही है? एक सड़े से घर में रह रही है, एक बुरी सी जिंदगी जी रही है, यू नो शी शुड बी वेल ऑफ। नो, हर अच्छे खासे उनके फिजियोथेरेपिस्ट की प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन आप जानते हो कितना सेव कर पाती है वो? बस अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके इतना। हाँ ना ज्वेलरी है, ना गाड़ी है, और जानते हो आप फोन कौन सा यूज कर रही है? वो जो 10 साल पुराना आता था ना, तब का फोन यूज कर रही है वो अभी भी। हाँ हो सकता है कि उसके बॉयफ्रेंड का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, ये भी हो सकता है। अरे खा लो बच्चो, अरे ए बच्चो खा लो मेरे बच्चो, वरना अरे खा लो शैतानू, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा ही लो। है कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे मैं। क्या पूछ रहा है यार, एक तो मैं अपने बच्चों से परेशान हूँ और तुझे अपनी पड़ी है, ये देख देख। जस्ट टेल मी यार। ये वो पुरानी कहावत थी, बच्चे मन के सच्चे। आज की कहावत सुनेगा? बच्चे ना हो तो अच्छे। डूड मैं तुझसे कुछ सीरियस पूछ रहा हूँ, तू तो क्या जवाब दे रहा है मुझे? क्या कुछ सूंगा हुआ है क्या तूने? सेतु सेतु यार, ये बच्चों को खिलाओ ना, वो मैं करता हूं। सॉरी मम्मा, हमें नहीं चाहिए पापा, यहाँ पे छोड़ के गए थे। आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों को कुछ समझा नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी। आप सॉरी नहीं मम्मा, प्लीज मम्मा, आप तो बेस्ट मॉम हो, सुपर मम्मा। हाँ ये सच है, जिया और दिया तुम्हारी बेटी है। सबूत चाहिए ना तुम्हें? पलक वॉज प्रेग्नेंट बिफोर शी लेफ्ट यू। और उसने मुझे ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो इस प्रेगनेंसी को यूज करके विक्रांत को फंसाना चाहती थी।
and obviously. विक्रांत किसी और के बच्चों को क्यों एक्सेप्ट करेगा? What a bitch. Ritvik, please. I cannot tell you anything beyond this. कुछ जवाब हैं जो तुम्हें खुद ढूंढने पड़ेंगे. मुझे जवाब नहीं चाहिए. मुझे डिवोर्स चाहिए. Are you serious? जिया और दिया? उनका क्या? वीपी सर को मैं ट्रीट करूंगी ऋतिक को पता चल चुका है. पता ही होगा ना तुम्हें? बहुत अच्छे से. मतलब? मतलब नथिंग, नथिंग. इस काम के लिए तुम मुझे यहाँ लेके आए थे वो तो हो गया है, और जो नहीं होना चाहिए ना वो भी हो गया. इट्स बेटर दैट वी लीव नाउ. ओह हेलो, अभी अभी कहाँ? क्यों, अब क्या रह गया? अभी तो कोई काम ही नहीं हुआ है. रिवादी की प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ हुई है? देखो, यू प्रॉमिस मी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, आपको निभानी पड़ेगी. तुम नूंस अपने आप को, तुम नूंस अपने आप को समझते क्या हो यार? Are you sure? I mean, पलक को समझने में तू गलती नहीं कर रहा है. देख रिकी, पलक वॉज प्रेग्नेंट विद योर किड्स, ऑलराइट, और विक्रांत ने उसको डंप किया. पर आई मीन, अगर उसको पैसों की जरूरत होती तो उसी वक्त आ जाती ना तेरे पास. दैट वॉज अ बेस्ट टाइम फॉर हर. पर उसने उसकी परवाह नहीं की. शी वेंट अहेड विद दैट विदाउट द मनी. छह साल पहले उसने पैसों की परवाह नहीं की तो अभी क्यों करेगी वो? हो गया होगा ना कुछ. इसे तो कुछ बताना नहीं चाहती है. I left my family, I left my work. मैंने अपना सब कुछ छोड़ा था उसके लिए, और वो मुझे छोड़ के गई थी उस विक्रांत के लिए, बच्चों को अपने पेट में लेकर. तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी सच्चाई मानूं. See, all I'm saying is, सेतु हमें पूरी बात नहीं बता रही है, राइट? तो आई मीन, ये ओपिनियन बनाना इतनी जल्दबाजी में, आई होप यू अंडरस्टैंड. सॉरी. ठीक है, मैं इधर हूं. हेलो, पापा बोल रहे हैं. जी बेटा. पापा, मैं दिया. अब हमारी मम्मा को परेशान करना बंद करो. आपको पेपर चाहिए? मिल जाएगा. पापा, हमारी फ्रेंडशिप भी फिनिश कट्टी. सुनो, हेलो, जाके करा लो डीएनए टेस्ट. तसल्ली करो, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे वो. जिया और दिया तुम्हारी बेटी है. पलक वॉज प्रेग्नेंट बिफोर शी लेफ्ट यू. मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए. I want my kids back. मेरा खून है वो. This place is suffocating me, Angad. I'm just leaving right now. Yeah, I'll see you there. Love you. Why are you wasting your time? You know I'm not gonna come to this party. All right? Damn it. ये सब उस पलक की वजह से हो रहा है. क्या यार, पलक भाभी रीवादी तो आ नहीं रही है पार्टी में. उन्होंने साफ साफ मना कर दिया. इसका मतलब हमारा प्लान तो फेल. तुम नूंस इतनी जल्दी गिव अप क्यों करते हो? लेट मी हैंडल इट. अच्छा, मैं चलता हूँ. रिकी भाई ने तो छोड़ दिया था. रीवादी मार ही डालेगी मुझे. एक तो साला सबका अच्छा करना चाहता हूँ, तो ऊपर से सब खुन्नस निकाल रहे हैं मुझसे. शिवम, रीवा. हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड. हाय, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर एवरीथिंग. मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अंगद को दोबारा देख भी पाऊंगी. थैंक यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. व्हाट? व्हाट आर यू डूइंग? आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. आर यू पिंचिंग मी? व्हाई वुड आई डू दैट? एनीवेज, पलक, यू नो रिकी भाई और पा हमें कभी इकट्ठे देख नहीं पाएंगे. दे वोंट लेट अस बी. इसलिए मैं सोच रही थी ना कि हम आज ही चले जाएं. आउच. What is wrong? You're pinching me again and again. Yeah. I'm not pinching you. Okay, again fine, and fine, again. Fine. I don't know, कुछ होगा ना यार टेबल के नीचे. देख लेते ना फिर. रीवा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? इतना सीरियस मैटर है तुम दोनों? लड़ाई कर रहे हो ऐसी बातों पे? कोई कुछ होगा. लेट इट बी. तुम दोनों एक दूसरे से रियल लव करते हो, राइट? तो क्यों डर रहे हो? रीवा, तुम पार्टी में जाओ, अंगद के साथ जाओ, अपनी फैमिली को सबके सामने बताओ दैट यू लव हिम, यू वॉन्ट टू बी विद हिम फॉर एवर. That's what true love is, right? नहीं रीवा, it doesn't make any sense. हमें ना ही उनका आशीर्वाद चाहिए और ना ही उनकी परमिशन. नहीं, पलक's right.
मैं क्यों छुप के और भाग के जीऊं? दे शुड बी गिल्टी, दे रुइन माय लाइफ। उनको भी तो समझ आनी चाहिए ना कि जब अपनी मर्जी बच्चों पे थोपते हैं तो शादियां नहीं निपटती यार। आई एम नॉट लीविंग, शी इज राइट। यू नो व्हाट, ट्राई टू, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? समथिंग इज, कुछ नहीं है यार, वहां पे चलो अब। एंड पलक, आई विल सी यू इन द इवनिंग। या ग्रेट, मूव, बाय बाय बाय। पलक, आई डोंट नो, आई जस्ट वांटेड टू से लाइक आई नेवर थॉट यू एंड मी, you know, after Ricky Bhai and you split, I genuinely hated you. But then I never heard your side of the story. And अब मुझे लगता है कि शायद तुम इतनी भी गलत नहीं हो सकती. And maybe जो हमें बताया गया था वो अधूरा सच था. So in short, I just want to say, if you ever need me, I'll be there for you. Thanks. Are you crazy? बचा लिया। What next? Plan क्या है? मान गई? तीनों मान गई। ये अंगद तो बहुत बड़ा लड़कीबाज निकला। I'm impressed. I mean, गट से साले में। कानून का भी डर नहीं। Confident है। उसे पता है कि कोई लड़की कभी बाहर निकल के आएगी नहीं। उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए लोग ऐसे होते। वैसे रीवा दी को फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी चॉइस हमेशा से खराब रही। फोकस। ओह यस, यस बॉस। चले। Nothing to worry, okay? You just take care. Thank you, doctor. Bye. देख, तुम लोगों ने आज की पार्टी की बहुत सारी तैयारियां की हैं और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही बेटा। मैं डॉक्टर शीला के यहाँ चली जाती हूँ। कहीं यहाँ तबीयत और खराब होगी तो कुछ खराब हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। ओए, तूने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम ऋत्विक और पलक को साथ लाओगे। मैं करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूत बन के तुम्हारा पीछा करूंगी। मालूम है, भूत बन के। और भूत बन के क्या, आप अभी भी भूत ही हो। हाँ। प्रगति, डोर क्यों खुला है? प्रगति, दिया, जिया? सरप्राइज्ड? कुछ साल पहले मैं भी ऐसी सरप्राइज्ड हुआ था, but don't worry, अकेला हूँ, अपने बॉस के साथ नहीं। तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। सब लोग कहाँ पे हैं? I don't know. दरवाजा खुला था, मैं अंदर आ गया। By the way, you're doing a fantastic job raising the kids. बच्चे घर पे नहीं हो, तुम्हें पता भी नहीं कहाँ हैं। तुम मुझे डराओ मत, मुझे बताओ बच्चे कहाँ हैं? As I said, मैंने काफी देर वेट की, कोई मिला नहीं तो मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली। रीवा और अमन की एनिवर्सरी है आज, पार्टी है, प्लीज आ जाना। शादी पे तो डैड तुम्हें देख नहीं पाए, बट आई थिंक आज जब तुम डिवोर्स पेपर साइन कर रही होगी तो आई बी हैप्पी टू सी यू। हैप्पी कि ये चैप्टर फाइनली क्लोज हो रहा है और उस अंगद को जिसको तुम ढूंढ के लाई हो, आई फक हिम ओवर। आ जाना। एंड प्लीज कुछ ढंग का पहन के आना। I wonder, वो ब्लैक नाइट अभी भी है तुम्हारे पास? Looking very pretty, Reva. Thanks. Happy anniversary to you. Thank you. वैसे मैं जानता हूँ कि इस anniversary को लेकर तो तुम इतनी खुश नहीं हो, तो फिर इतना तैयार क्यों हुई? You know what, Reva? I just wanted to tell you कि तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि तुम जो भी डिसाइड करोगे ना, I will always support you. मम्मा, पापा। हाँ?
हाय बेटा, हाउ आर यू? इट्स योर बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी। हाय मेरे बच्चे, यू लुकिंग सो प्रिटी। ये आपने बनाया? दिखाओ। वाओ। स्वीटहार्ट, आपने तो पापा के नेम के स्पेलिंग रॉन्ग कर दिए। सी? तो ए एम ए एन। नो बेबी, इट्स ए एन जी ए टी, नॉट ए एम एन। ओके? रिक्की पुत्र, मेरा मन नहीं मानता, तू मुझे सच सच बता कि सच है या झूठ। अब फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, ये जो इतने सालों बाद यहाँ सेलिब्रेशन हो रही है, जश्न हो रहा है, यमन और रीवा के रिश्ते के लिए ही हो रहा है, आप बेफिक्र रहो। अब तक तो बड़ी शांति है मेरे भाई, बट पलक को बुलाया मैंने यहाँ पर, डिवोर्स के पेपर साइन करवाने वाला हूँ उससे। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया, बधाई हो। तुझे भी लग रहा है ना मैं गलत हूँ, और वो सही है, तो भूल गया उसने मेरे साथ क्या किया था। रिकी, मुझे बुरा लग रहा है, इकट्ठे शादी हुई हमारी, जब मैं पिक्चर्स देखता हूँ ना हम चारों की, बुरा लगता है मुझे। और अब तो तुझे पता भी है तेरी दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं यार, फिर भी। रोहित, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बहुत गैस बन रही है, ब्लोटिंग जैसी हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं। यही फीलिंग तुम्हें आर्यमन के टाइम पे हुई थी ना? हाँ। गुड न्यूज? हाँ? ओए चुकर, तू पागल हो गया क्या? गैस हो गया, यू नो, सोडा पिलाता हूँ, चलो चलो चलो। ये रीवा कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही है। All cause of भाभी? हैं? कुछ नहीं। मुझे ना पक्का यकीन है ये ड्रग्स करता है। तारी देखो ना, इतनी अच्छी पार्टी है, इतने सारे लोग आए हैं, और ममता पता नहीं किस इमरजेंसी से अपने दोस्त के यहाँ चली गई। उधर मैंने दिकी को अपने फिजियो से मिलने के लिए भेजा और वहाँ पलक पहुंच गई। मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। थैंक गॉड बच गया क्या सीधा, तो कुछ हुआ नहीं। रोहित, मुझे ना कुछ कड़वा सा फील हो रहा है, नॉट फीलिंग टू गुड। शौर्य के टाइम पे भी तुम्हें ऐसी फीलिंग आई थी ना? आई एम श्योर यू आर प्रेग्नेंट। नॉट पॉसिबल। भाभी, आप यहाँ? ऋत्विक ने इनवाइट किया था मुझे। भाभी सब ठीक तो है ना? एवरीथिंग इज फाइन, उसे मुझसे अंगद के बारे में बात करनी थी इसलिए। I was thinking आप लोगों की डेट। डेट? I mean मीटिंग तो ठीक रही ना आप लोगों की? वो भाई ने आपको यहाँ बुलाया, that's why you know। काम के बारे में बात करते हैं, दीवा और अंगद के बारे में बात करते हैं। या आप बताओ करना क्या है? Then boss। बेटा राघव को मैंने तुम्हारी फोटोज दिखाई, भाई उसे तो बहुत पसंद आई। I know बेटा, तुम लोग अरेंज सेटअप्स वाली जनरेशन के नहीं हो, but don't you worry, Raghav is quite romantic at heart, just like his father, huh? वो इस अरेंज मैरिज को भी लव में बदल देगा, तुम देखना। Are you sure, uncle? I mean, Raghav को तो पता होगा ना मेरे वेट के बारे में? क्या बात कर रही है बेटा? No, pa. I mean, I don't want him to be in some kind of dhoka. वो यहाँ शादी करने आ रहा है, not to win some world championship. बेटू, हम लोग पंजाबी में इसे ओवरवेट नहीं कहते, हम लोग कहते हैं खाते पीते करके, क्यों है ना? ठीक कहा आपने। मैं अभी कुछ खा के आती हूँ। अच्छा मेरा, मुझे अपनी बेटी और दामाद के लिए अनाउंसमेंट करनी है, I'll just be back। हाँ जरूर, बिल्कुल। कहाँ हो तू? इस मुझे घुटन हो रही है, जल्दी आओ। राइट, हेलो पलक भाभी, रेडी हो ना आप? ही शुड बी हियर एनी टाइम। रोहित, इट्स गेटिंग मच वर्स नाउ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। जैसे अयान के टाइम पे आया था। हाँ। तीन मुझसे संभले जा रहे नहीं है, एक और बच्चा हो गया ना तो मेरा चौथा निकल जाएगा। बेबी तू इतनी फर्टाइल कैसे हो सकती है यार? शट अप रोहित। आई थिंक यू शुड गेट अ टेस्ट। चलो टेस्ट करते। हेलो। हेलो मिस्टर नून, पेपर्स रेडी हैं। कस्टडी के भी? हाँ वो भी रेडी है, कहाँ लेकर आना है? हेलो, आप एक सेकंड रुकिए, मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लो नेटवर्क में। हेलो,
सुनो, जैसे ही अंगद एंटर होना मुझे फोन करना, ओके? अंगद को लेके आ रही हो ना तुम? लिसन ऋत्विक, शट अप, जस्ट शट अप, इस बार मैं कुछ नहीं होने दूंगा। यू शट अप, चुप रहोगे तुम और मेरी बात सुनोगे अब? आई नो आई बिट्रेड यू, आई चीटेड ऑन यू, बट वो अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी भी गलत हूँ। जस्ट हियर मी आउट। तुम्हें पता है अंगद गलत है? मुझे पता है अंगद गलत है। रीवा को पता है अंगद गलत है? वो सुनेगी तुम्हारी बात, तुम्हारे पापा की बात, जो तुम गोल्ड डिगर रैप लेके जो घूमते रहते हो हमेशा, सुनेगी वो तुम लोगों को? उसे शो करना पड़ेगा, शी हैज टू सी इट हरसेल्फ। और यही प्लान था, मैं उसे वापस लेके आई थी, मिलाया मैंने उन दोनों को ताकि उसे पता लगे कि जब वो प्रेग्नेंट थी वो छोड़ के चला गया उसकी सच्चाई देखने के लिए। तुम्हें लगता है इट्स इजी कि रीवा अमन को एक्सेप्ट कर ले? उन्हें वापस लाने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट। कैसे होगा ये सब? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? आज रीवा और अमन की 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी है और इस खुशी के मौके पर मैं आप सबके साथ इनकी बचपन की कुछ मीठी यादें शेयर करना चाहता हूँ। रीवा और अमन इसी घर में पड़े हुए। रीवा का निकनेम था द ब्रैट और जितनी बड़ी ब्रैट रीवा थी उतना ही सीधा हमारा अमन। रीवा का होमवर्क अमन करता था, स्कूल में मस्ती और हरकतें रीवा करती थी और उसकी पनिशमेंट मिलती थी हमारे अमन को। तो अगर यही प्लान था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ट्राइड, सुनते नहीं ना तुम मेरी बात। अननोइंग, यू सो अननोइंग। लुक, डोंट पुश इट, लेट्स गो। क्या हुआ? किसी ने लॉक कर दिया? ऑफ कोर्स। ओए सिक्योरिटी, ऋत्विक नून के प्लान, अपना दिमाग लगाना है हर जगह, लोगों को फंसा देना है, उनके प्लान पे तो वर्क ही नहीं करने देना उन्हें, बस अपने आप को ही सही समझना है। विल यू शट अप? सिक्योरिटी। अमन ने अपनी जिंदगी में रीवा की वजह से बहुत गालियां सुनी, बहुत मार खाई। हमारी रीवा बहुत झगड़ालू थी, कोई दोस्त नहीं था उसका, सबसे झगड़ा करती थी सिवाय अमन की। अमन वॉज ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ रीवा, ही ऑलवेज लुक्ड आफ्टर हर, ही वॉज ऑलवेज राइट देयर बाय हर साइड। एज फार एज आई नो, अमन एंड रीवा आर सोलमेट्स। हैप्पी एनिवर्सरी मेरे बच्चों। यार अंगद अबाउट टू कम एनी टाइम, कॉल फलक भाभी। कॉल ही नहीं लग रहा है। फोन दो। इज नो नेटवर्क। मैंने क्या फारसी में बोला था? कहाँ है? हेलो, किसे पता था कि बचपन की ये नोक झोंक एक दिन रिश्तेदारी में बदल जाएगी? मैं बहुत ही बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे अमन जैसा दामाद मिला और रीवा बहुत बड़ी खुशनसीब है कि उसे अमन जैसा पति मिला। थैंक यू सो मच पा, आई रियली लव्ड योर स्पीच, बट एक छोटी सी गलती कर दी आपने। आपने अपने दामाद का नाम गलत ले लिया। इट्स अंगद, नॉट अमन। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मीट द लव ऑफ माई लाइफ, अंगद। रीवा, प्लीज डैड, आई हैव हैड एनफ। दो शब्द बोलने का मुझे भी मौका दीजिए, आफ्टर ऑल इट्स माय डे, राइट? हाँ, तो कोई था जिससे मैं प्यार करती थी, बहुत गहरा प्यार करती थी, पर मेरे पा ने मेरी शादी वहां कराई जहां उनकी खुशी थी, मेरी नहीं। जो लड़का उन्हें पसंद था मुझे नहीं, जिसे वो चाहते थे मैं नहीं। बट यू नो व्हाट, नॉट एनी मोर पा, बिकॉज आज मैं आपकी खुशी के लिए नहीं,
अपनी खुशी के लिए जीने जा रही अंगद के साथ। कर क्या रहे हो ये? इस जैम लॉग में ये। मैंने तो हमेशा से रीवा से सच्चा प्यार किया था, है ना रीवा? लेकिन लेकिन आपने दौलत के जोर पे हम दोनों को अलग कर दिया और फिर मैंने भी हार मान ली। लेकिन मैं आज भी रीवा को सच्चा प्यार करता हूँ। We just love each other so much. You know, अपनी बकवास बंद कर। And you young lady, you are not going anywhere. Pa, please. आपने बहुत decisions ले लिए मेरी life में। अब नहीं। It's too late, Shivi. We've lost it. Sir, Reva और समारा मेरी responsibility है। आपके आशीर्वाद के साथ या आपके आशीर्वाद के बिना। तुम्हारा मेरे साथ चल, मैं तुम्हारा पापा हूँ। नो नो जूट, शट अप समारा, चलो साथ में। पापा ये अंकल मेरे पापा नहीं है, ये मैं पापा। समारा इज नॉट योर किड। रीवा तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मेरी बच्ची को हाथ भी मत लगाना। जाना ही थी तो चुपचाप चली जाती, लेकिन ऐसा तमाशा करने की लोड़ थी? वो भी ये सब समायरा के सामने। ये बात मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ पा, कि मुझसे बिना पूछे मेरी लाइफ कैसे तय की आपने? Why? रीवा रुक जाओ, रीवा रीवा यू कांट गो लाइक दिस। एक बार समायरा के बारे में तो सोचो, मैं तारी को क्या मुंह दिखाऊंगा रीवा? अंगद, ओ डार्लिंग, पहचाना नहीं? कम ऑन गर्ल्स, अंगद शायद भूल रहा है हमें। कौन है ये? रीवा जी, ये मंगलसूत्र याद है? इसे तुमने अपने ही हाथों से मेरे गले में डाला था, हाँ? और निकाह के वक्त तुम कितना तरस रहे थे कि मुझे पर्दे के उस तरफ देख सको। कितने एक्साइटेड थे ना तुम आई डू बोलने के लिए, सो यू कैन किस मी, राइट? व्हाट द हेल? आप सबने लुटेरी दुल्हन का नाम तो सुना ही होगा ना, ये उसका मेल वर्जन है। इसका काम है भोली भाली लड़कियों को फंसाना अपने प्यार के जाल में, उनसे शादी करना और दूसरे ही दिन सारा माल सारा पैसा लेके रफू चक्कर हो जाना। अभी तक 24 गर्ल्स को टारगेट कर चुका है और आज तो शायद इसकी सिल्वर जुबली है, राइट? कौन है वो लड़की? वो मेरी बेटी का। Is this true? Of course it is. और अंगद ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थी समायरा के साथ। वो जानता था कि इस शादी से वो भाग नहीं पाएगा, करेक्ट? डैड की पहुंच बहुत दूर तक है ना, डैड की एक धमकी से ये ऐसा भागा कि अब वापस आए। Isn't that true? Bloody coward. I was right. मैंने जो कुछ भी किया तुझे और रिकी को अंगद और पलक जैसों से बचाने के लिए किया। I just can't believe, I really cannot. मैं अपने रिश्ते तोड़ने वाली थी। I was about to leave my family, my path for you. You fraud. You know what? It's time you see the real Reva. And I'll make sure you see her well. भाइयों और बहनों, बहुत टेंशन, बहुत ड्रामा हो गया। मुझे लगता है थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एक गेम खेलते हैं। जो भी आदमी या औरत इस चिड़िया के घोंसले को सबसे बेस्ट झापड़ मारेगा उसे मैं 5,00,000 रुपए कैश दूंगा अभी का अभी। जय, समायरा को रूम में ले जाओ प्लीज। And Shanaya, I want you to record this. This guy deserves to be famous, right? I think infamous is a better word.
Okay, who's gonna begin? Who's number one? Come on, you, come on. Not the prize winner yet, baby. I'm sorry. No, beta, prize to ab tak hua nahi hai. अब अंगद मियां को बाहर लेकर जाओ और इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो. कम ऑन. रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरे परिवार को बचा दिया. रब का नहीं पाप, डॉक्टर शर्मा का. क्या? बताऊंगा, सब बताऊंगा आपको. मैं नहीं जानता कि तुमने ये सब कैसे किया, बट व्हाटएवर यू हैव डन, मी एंड माय फैमिली आर ऑलवेज गोना बी ग्रेटफुल. थैंक यू. और आई वांटेड टू से द पेपर्स आर रेडी फाइनली. अब जब आप भी यहीं पर हैं तो कस्टडी की बात कर ले. कस्टडी? यस, मिस्टर नून वांट्स द सोल कस्टडी ऑफ हिज किड्स. बच्चे इन्हीं के पास रहेंगे, आपके पास नहीं. I'll take care of it. बच्चे चाहिए तुम्हें? क्यों चाहिए तुम्हें बच्चे? ये बच्चे तो तुम्हारे हैं भी नहीं. हाँ, ये बच्चे मेरे ही हैं. 6 साल से तुमने मुझसे ये बात छुपा के रखी. That they're my kids. How convenient. I called you. I told her I was pregnant. तुमने मुझे ये भी बताया था कि वो बच्चे तुम्हारे उस विक्रांत के. क्यों लावा? तो मुझे लगा वो बच्चे नहीं होंगे मेरे. तो आज तुम्हें लगता है कि ये बच्चे तुम्हारे हैं, कल तुम्हें लगेगा कि वो बच्चे तुम्हारे नहीं है, तो क्यों उन्हें फिर से छोड़ दोगे? Ritvik, you can't do this. They're my kids. I'm their mother. It's not happening. Fine. Let's take it to court. My team of lawyers is ready. Let's fight it. You know I can't even afford a lawyer. मेरी financial conditions इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ही कर सकती हूँ. Exactly why. मत पड़ो इस चक्कर में. But like I'm too powerful, I'm too strong. You won't be able to win this battle. That's all you know. Power, money. तुम यही कोर्ट में प्रूव करोगे ना कि I'm not a good mother. ऐसा नहीं कहा मैंने. You'll prove that I'm characterless. Sure. Yes. You know what all I've done for them? दो jobs किए Ritvik, मैंने दो jobs, night shifts, extra hours, ताकि उन्हें best education मिले. उनके कॉलेज के लिए मनी सेव कर रही हूँ मैं. तुम्हें पता ना उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी जस्ट बिकॉज आई वॉज वर्किंग. जब मैं घर आती थी ना वो सो चुके होते थे, जब मैं सुबह उठती थी तो वो स्कूल जा चुके होते थे. I couldn't be there for them. Do you even understand what you're doing? तुम जितनी मर्जी शिफ्ट कर लो, जितनी मर्जी जॉब कर लो, वो बच्चे, उनका खून जो वो डिजर्व करते हैं ना, तुम उन्हें कभी नहीं दे सकती. नेवर. द काइंड ऑफ फ्यूचर, the kind of education, the kind of identity that I can give them, तुम नहीं दे सकती. एक बैकअप होता है, फैमिली होती है, सपोर्ट होता है. I can give them. They're noons. Don't deprive them of that. Please. I won't let you do this. मैं अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं होने दूंगी. You know, Shivi, I'm really impressed with you. हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि तू नालायक है, बुद्धू है, बददिमाग है, लेकिन तूने एक लायकी का काम किया है. बुझ गया? क्या? डॉक्टर शर्मा को मेरे पास भेजकर. She's amazing. देख, I really need to use this anymore.
बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है पाप, है ना? Well done. Yes. हाँ. Hi, by the way, आपको भी पलक भाभी को थैंक यू बोलना चाहिए. क्यों? क्योंकि रीवा दीको से रास्ते पे लाना उन्हीं का काम है. Are you serious? पहली बार इसने कोई अकल की बात की. तू चल, मैं समझाता हूँ. रीवा, 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 मेरी बात सुनो. Are you okay, रीवा? I really loved him. I know. I was such a fool. 6 years निकाल दिए मैंने ये. But he loved me. मुझे लगा वो मुझसे सच्चा प्यार करता है यार. वो प्रिंस जैसे आएगा और मुझे ले जाएगा एक दिन. How can I be so stupid? प्यार तो ऐसा ही होता है ना रीवा. थोड़ा अंधा, थोड़ा नादान. 6 years मैंने एक प्रोफेशनल फ्रॉड का वेट किया. I've wasted my life. 6 bloody years. Can you believe it? मुझसे ज़्यादा बड़ा बेव कौन होगा ये बताओ. एक तो तुम्हारे बगल में ही बैठा है. मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार. आई लव यू. I love him. Mr. Noon wants the sole custody of his kids. बच्चे इन्हीं के पास रहेंगे, आपके पास नहीं. मैं अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं होने दूंगी. अब चलो जल्दी रीवा, तुम सबसे पहले तो अपना ये मेकअप ठीक करो, अपने आंसू पोंछो और नीचे चलो. वो सारे गेस्ट नीचे वेट कर रहे हैं. देन यू नो हाउ इट इज. मेकअप नहीं ठीक करूंगी मैं. मुझे थोड़ा तो दुखी दिखने दो अमन, नहीं तो सारे बोलेंगे मैं भी टाइम पास कर रही थी अंगद के साथ. मुझे थोड़ा तो दुखी दिखना है ना. आई नीड सिंपैथी. आर यू सीरियस? लाइक सच में? गाइस, आई एम सो ग्लैड. ओह माय गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड. रीवा, तू यू डिडंट गो विद दैट. इट वॉज अ रीजन मैं तेरी मदद नहीं कर रही थी. और अगर तू उसके साथ चली जाती ना, आई स्वेयर ऑन गॉड रीवा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखती. रियली? यस. बट गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा ये हुआ कैसे. And it was Palak who did this. Really? डिटेल में बता क्या हुआ? अरे क्या बताऊं मेरा, मुझे तो लगा था पार्टी का दी एंड हो गया है. हाँ, बाल बाल बच गए हैं. अच्छा है, बच्चों को भी हाथ साफ करने का मौका मिल गया. वो तो है. You know what? I want everybody to double the celebration. कोई भी सिंगल ड्रिंक नहीं पिएगा. सब लोग पटियाला मारो. Cheers. आओ. ये लोग साथी? मुझसे ज्यादा नहीं. So guys, good news again. Best news. हाँ, हम प्रेग्नेंट नहीं है. बच्चा नंबर 4 नहीं आने वाला. Okay, good. रिकी कहाँ है? पलक कहाँ है? पलक? हाँ, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आज उनके वजह से पा इतने खुश है. Yeah, I've been trying to call her but can't get through. May I have your kind attention, please? मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी दोस्तियों, आज मैं बहुत खुश हूँ. आप लोगों ने मुझे बहुत सालों के बाद इस रूप में देखा है. उसकी 3 वजह. वजह नंबर 1, मेरा दामाद स्लैप कंपटीशन जीत गया. क्या थप्पड़ मारा. 3 चेयर. और वो मेरा 5 लाख रुपया घर का घर में ही रह गया. रीजन नंबर 2, रम चिकन खाओ और साथ में विस्की पियो तो ऐसे ही होता है. और रीजन नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, मेरी बेटी रीवा को सुदबुद्धि मिल गई और मेरे दामाद को उसकी बीवी वापस मिल गई. गाइस, आई नीड टू टेल यू समथिंग. दिस इज नॉट फेयर.
रीवा तू पलक को कैसे सपोर्ट कर सकती है यार? You know what she did to Ritwik? Annie, honestly, it's not that bad. Trust me, यार पलक ने मेरी इतनी हेल्प की है यार, उसने मेरी शादी टूटने से बचाई है. I really owe her big time. I really do. तो प्लीज किसी को जाके कुछ मत बोल. Let it all play out naturally, please, Annie. पापा. Hi. This special occasion deserves a toast. Toast kidhar hai? Jai, toast lekar aa. Aa dekho kitna smart hai, do glass laya, ek apne liye bhi leke aaya. Utha, tu bhi utha. Ha. Ab aise karo. And I want to raise a toast for my physiotherapist Dr. Sharma. Cheers. Cheers. Jisne mere pair ka dard theek kiya, mere dil ka dard theek kiya और मेरी बेटी की शादी बचा. शनाया, ये डॉक्टर शर्मा है कौन? पलक. पलक? तारी, अब प्लीज चुप रहना, आपको मेरी कसम है, प्रॉमिस. तो चीयर्स टू डॉक्टर शर्मा. चीयर्स टू अमन एंड रीवा. चीयर्स टू पलक. ए, पलक का काम नो को लिया. कौन मनुष्य का नाम लिया इधर? चीयर्स फॉर डॉक्टर शर्मा. चीयर्स टू डॉक्टर शर्मा. यार ये अच्छी चढ़ी थी, सब उतार दी. नाउ पैक, वापस पीने पड़ेंगे. पापा जी, दैट वाज अ वेरी स्वीट स्पीच. वो मुझे आपसे कुछ अर्जेंट काम है, तो आप एक मिनट. अरे नॉट नो पैक, वापस पीने पड़ेंगे. Somebody took that मनुष का नेम. ना नहीं, डेफिनेटली. बट आप किधर ले जा रहे हैं? मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ. ये वापस जाएंगे ना? नहीं, वापस आएंगे पापा जी. आएंगे दो मिनट में आ जाएंगे. Dude, this is not right. ये सही नहीं हो रहा है. और इकी को पता है इस बारे में शिवम? हाँ. What? He knows. You mean इसको पता है कि वही लड़की है जिसने इकी का दिल तोड़ा था? मतलब he is not happy with it, but he knows. और ममता आंटी, उनको पता है इस बारे में? Mom, you promised me आप रेस्ट करोगे. आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे शनाया का फोन आया था, उसने सब बता दिया मुझे. अच्छा ही हुआ ना मैं आ गई, मैंने सब देख लिया. अब मैं इनको हैंडल करती हूँ. चल. यस, मैं जानती हूँ कि पलक पापा की फिजियो है. बट यू नो व्हाट, वी नीड टू बी थैंकफुल. उसने जो तुम्हारे लिए किया रीवा, एंड पापा इज नेवर बीन बेटर. सो आई एम, यस, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पलक पसंद है. आई मीन, कौन सी सास अपनी बहू को पसंद करती है? और वैसे भी पलक में ऐसी कोई खास बात नहीं है नो, कि मैं उसे पसंद करूं. What matters really is that papa's getting better, and that's what matters at the end of the day. Mom, थोड़ी ओवरएक्टिंग हो रही है. सच में? कोई ना, नून्स को ओवरएक्टिंग ही समझ आती है. Yeah, what can I say? ममता आंटी सिंह, जस्ट पलक. शिवम देखना, मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, क्या करूं? तू कुछ मत कर, वैसे भी तू छोड़ दे ये सब. पता है ना, तेरी शादी के बाद ना तू और मोटी हो जाएगी, और बच्चों के बाद तो यू विल बी अ काउ. अच्छा, ये मत कर, मैं खाने ही नहीं दूंगी. मैं आपके. ऋत्विक का है जी? आप अमरस्तो की उनका लॉयर. एक्चुअली मुझे उनसे कुछ कंसल्ट करना था अबाउट द नोटिस. कैसा नोटिस? आई मीन, ये मैं आपसे नहीं बता सकता हूँ. क्लाइंट लॉयर प्रिविलेज. ओह, राइट. तो आप हैं मिस्टर रस्तोगी? यस. ओह हाँ, इनफैक्ट भाई तो आजकल आपकी बहुत तारीफ करते हैं ना शिवी. और आजकल बिना आपसे पूछे कोई काम करते ही नहीं है भाई. थैंक्स, जस्ट डूइंग माय जॉब. एक्चुअली भैया मुझसे कह के गए थे कि आप आएंगे. आई वाज वेटिंग फॉर यू ओनली. सो बताइए मिस्टर रस्तोगी, क्या बात है? ओके, वेल, ऋत्विक सर की जो एक्स वाइफ है पलक, उसको हमने डिवोर्स का नोटिस तो दे दिया है, एंड कस्टडी के पेपर्स भी रेडी है. एक्चुअली कल रात को उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई थी, तभी तो ऋत्विक सर ने मुझे नोटिस देने से रोक दिया. लेकिन नाउ व्हाट, ये कस्टडी का नोटिस कब इशू करना है?
आप ये पेपर्स मुझे दे दीजिए, मैं भैया को कह दूंगा कि आपको कॉल कर लेंगे। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक्स। कुछ चाय कॉफी? नो थैंक्स, आई विल टेक योर लीव, एंजॉय। व्हाट द हेल? नो वंडर व्हाई पलक भाभी इज नॉट रिसीविंग माय कॉल्स। आज घर में बहुत दिनों बाद खुशी आई है। हाँ, मैं बेवकूफ बनते बनते बच गई और अमन योगी बनते बनते बच गया। मुझे 3 दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग गुड। क्या हुआ? रुक क्यों गए आप लोग? आपकी नेक्स्ट लाइन तो पलक के बारे में होनी चाहिए ना। ये सब पलक का कमाल है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाई यू स्टॉप? भाई भाई, ये सब क्या है? भाई पलक से बच्चों की कस्टडी मांग रहे हैं। सैम को अपने कमरे में ले जाओ, जाओ अपने रूम में खेलो। हाँ, Are you guys surprised? उसने धोखा दिया था मुझे। She cheated on me. भूल गए आप लोग? 6 साल तक मुझसे ये बात छुपा के रखी कि मेरी 2 बेटियां हैं। बेटा, लोगों से गलतियां हो जाती हैं। अगर डैड ने आपके साथ ऐसा कुछ किया होता मॉम, तो मैं कहती जाओ अपने बच्चे संभाल लो। Fortunately, I'm not joking. Hey. I had a child from another man, और फिर भी अमन ने मुझे accept किया, right? In fact, he loves Samaira more than I do. Samaira means the world to him. I know it's gonna sound very weird coming from me. Please, पलक की life मत खराब करो. I'm not asking you to get back with her. आपने बोला उसने cheat किया और उसने accept किया ना ये? At least उसको उतना credit तो दो कि वो honest हो रही है. Don't do this to her. कुछ करते हो आप? तुम दोनों जाओगे। थैंक यू मम्मा। अच्छा, ये फॉर्म तो लो। एक बैकअप होता है, फैमिली होती है, सपोर्ट होता है। आई कैन गिव देम देयर नूड्स, डोंट डिप्राइव देम ऑफ दैट प्लीज। चाय पिएगा? रिकी, बच्चों को अपनी मां से मत छीन। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं होती उसकी जगह तो मैं भी सेल्फिश हो जाती, और तुम्हारी बात होती तो मैं शायद कुछ भी कर देती। किसी को चोट भी पहुंचा सकती। आप ऐसा कुछ नहीं करते। मैंने ऐसा किया है तो नहीं जानता। रिकी, अगर तू ये सब सिर्फ पलक को सबक सिखाने के लिए कर रहा है तो मत कर। वो एक माँ है, वो अपने आखिरी दम तक लड़ाई नहीं छोड़ेगी अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए ये बहुत ट्रॉमेटिक हो सकता है। समझ रहा है? देख यार, तू बच्चों की सोल कस्टडी मांग रहा है, मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। तू पलक के साथ नहीं रहना चाहता, ठीक है, लेकिन बच्चों को तो बीच में मत ला। माँ है वो उनकी। तुम्हें बाप हूँ, ओके? मेरा हक बनता है। मैंने सोचा है, one kid can save the and एक बच्चा मेरे साथ रह सकता है। ध्रुवा बच्चों को अलग करेगा तू? फिल्में नहीं देखता क्या? नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बिना। बच्चे हैं, जानवर थोड़ी ना है। You're right. मैंने ऐसा सोचा भी कैसे, पर फिर क्या करूं? देख, मैंने कुछ सोचा, तू है ना एडल्ट जैसा सोच। शादियां खत्म हो जाती है, दिल टूट जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को बीच में नहीं लाते यार। तू उनके बारे में सोच, अपने टूटे दिल के बारे में। But I wanted divorce. पर उसके आगे क्या? नहीं लड़ूंगा बच्चों के लिए। चल, let's go. तूने
तुमने पेरेंट ट्रैप मूवी देखी है? कैसे बच्चे मिलके अपने पेरेंट्स को मिलाते हैं, सच क्यूट फिल्म ना। सीरियसली भाई फिल्म की बात कर रहे हो आप? कम ऑन यार, व्हाई नॉट, क्या पता जिया और दिया के खातिर वो दोनों अपनी नफरत भुला दे। मम्मा मम्मा मम्मा, चौरे ने पापा का लैपटॉप धो डाला। क्या पानी से धो? तुम लोग पागल हो क्या? पानी से नहीं, जूस से। आर यू सीइंग? इधर आओ तुम, चलो मैं आती हूँ। दो मिनट, बड़ी हिम्मत है आपको तीन तीन पैदा कर दिया। सेतु मैम, वर्क इज डन। हाय, मैं तो सेतु नहीं हूँ। दिख रहा है। वैसे ये काम तुमने किया या फिर किसी बेचारे से करवाया मिस प्रगति? Well, you know, मेरे काम करने वाले ना इतने भी बेचारे नहीं होते मिस्टर गांधी। अच्छा, वो मसूरी वाला तो बहुत बेचारा था। The Great Gatsby. किसकी बुक है? मेरी बुक है। ऐसे क्या देख रहे हो? I know ये सारी बुक्स बॉयज को नहीं पसंद। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बॉयज को जज कर रही हो? I love this book and Daisy is my favorite. Oh, but you know what? तुम जैसे को ना भाव नहीं देती। हाँ, ठीक जैसे कैट्स भी तुमसे प्यार करता था। ग्रीन टी पियोगे? सिनेमन? सुन, मैं सोच रहा था कि आज रहने देते हैं, कल जाके बात करेंगे। पागल हो गया क्या? रात भर उसको टेंशन में रखेगा? देख रिकी, तू उसके पास जा और उसको बोल तू उसके बच्चों को नहीं छीनेगा। बस तू उनको मिलते रहना चाहता है और अपने लाइफ में करीब रखना चाहता है, बस। जस्ट सॉर्ट दिस आउट यार रिकी। वैसे तुझे बड़ी टेंशन है उसकी रात खराब होने की। तूने इतनी मेरी टेंशन ली है साले जोरू के गुलाम। बहुत अच्छी बनी है ग्रीन टी, है ना? यू नो व्हाट, मुझे ना पानी बॉयल करने आता है। इनफैक्ट किसी को कोई ल्यूकोम वाटर भी चाहिए हो ना, तो मैं वो भी मैनेज कर लेती हूं। तुम ना बड़ी क्यूट हो। रियली? तुमने तो कहा था कि मैं डम हूं। क्यूटली डम? आई थिंक किसी मूवी का नाम लग रहा है। लव स्टोरी? अच्छी जोड़ी है। व्हाट? मेरी नजरों से कुछ नहीं छुपता। यू बोथ? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। ओ प्लीज, तुमने सुना है ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट? हां बिल्कुल, पर हमारी चॉइस तो बिल्कुल सिमिलर है। सिनेमन, सो सॉरी, बोरिंग। ओ माय गॉड शिवम, इसने तुझे बोरिंग कहा। इट्स ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ऋत्विक और पलक को मिलाने में, बट उससे ज्यादा कुछ मत एक्सपेक्ट करना। ओके? हां, तुम इसमें साथ दे दो, बाकी ना मैं खुद मैनेज कर लूंगा। केमिस्ट्री तो है, आई एम नेवर रॉन्ग। दरवाजा खुले। दिया, भाग गई। तुझसे डर के भाग गई? और ला वकील, डिवोर्स, कस्टडी, और धमका उसको? मैं कोई धमकाया नहीं। ओके, मैंने सिर्फ उसको आईना दिखाया कि आई कैन डू अ बेटर जॉब एट पेरेंटिंग देन हर। और वो तुझे आईना दिखा के चली गई कि बच्चे उसके हैं और उसी के रहेंगे। मेरे बच्चे के पास क्या कर रही हो? तुमसे मार खा रही हूँ। लड़की को मारते हो, शर्म नहीं आती? मैंने लड़की कहा मारा? मैं तो मच्छर। You know what? अगर मेरी जैसी हॉट मच्छर काटे ना, तो it's okay. Oh, तो तुम काटने आई हो? मैं ना बताने आई हूँ प्लान। ऐसा कौन सा प्लान है जो तुम कॉल पे नहीं बता सकती थी? ठीक है, तुम कहते हो तो जाके बता देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, ब्राइट आइडिया से ना मेरा डे भी ब्राइट कर ही दो। बताओ। You know what? अगर ऋत्विक और पलक को मिलाना है ना, तो जी और दिया को पटाना पड़ेगा।
वो पटेंगी? अगर सही तरीके से पटाओगे ना तो कोई भी पट जाएगी। तुम पटोगी? Only if you bend on your knee. But plan तो दिमाग से आता है, घुटनों से नहीं, right? तभी हर मर्द शादी के लिए अपने घुटने टेकता है। मैं टिका दूँ? अरे प्रगति, जवाब तो देती जाओ। प्रगति, 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 सुनो तो। प्रगति। ओए, उड़े। प्रगति। कहाँ है वो? यहीं तो थी। What? पलक यहाँ थी? नहीं, पलक नहीं। अरे अभी तो तूने बोला पलक यहाँ थी। अरे I mean, प्रगति। मैं तुझसे पलक के बारे में बात करूँ तो क्या प्रगति कहाँ से बीच में आई यार? I think I'm dreaming. ओए, पलक बच्चों को लेके भाग गया है। You're dreaming. What? भाई, यही होगा ना? अब छीनो उनसे। लेक्चर मत दे, ढूंढ उन्हें। भाई, I have an idea. मैं प्रगति से पूछता हूँ। Hey, what's up? Hi, कहाँ हो? मैं तो बॉस के यहाँ हूँ ना। सारा काम अकेले संभाल रही हूँ, इनफैक्ट बच्चों को भी। बोलो, क्या हुआ? तो दानव सेना को अकेले संभाल रही हो? कहो तो परमवीर चक्र भेज दूँ। What is that? अच्छा, अवार्ड है क्या? Actually, मैं है ऑस्कर, I will not mind. Oh, wow. You love golden shining things. Emergency है. वो प्रगति पलक जिया दिया कहाँ है? नहीं, मैं तो कुछ दिनों से बॉस के आई हूँ, so I have no idea. क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, जा कहाँ रहे हम लोग? मसूरी। मसूरी? इतना सरप्राइज क्यों ऐड कर रहा है? वहीं से तो लाया था तू उसे। भाई, सेतु भाभी से पूछ लेते, पाके भी से पूछ लेते, या फिर पास से ही पूछ लेते कि उनकी साइक, I mean, फिजियो कहाँ है? किसी को आइडिया नहीं है। इनके पेरेंट्स के यहाँ? सब जगह चेक कर लिए, कहीं नहीं है, जाना ही पड़ेगा। तो अपना सारा सामान पैक करके ले गई थी, सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, सब कुछ ठीक है, बस उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था ना, तो थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। ऐसे कैसे कि प्रगति को भी नहीं पता क्या हो रहा है? आपने तो मुझे डरा दिया है। नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं आपको, हमने बस सोचा कि शायद आपको पता हो, इसलिए हम यहाँ आ गए। बट नेवरदलेस थैंक यू, आप टेंशन मत लीजिएगा। क्या चले? थैंक यू। फिर से मेरी जिंदगी में गंद डाल रही है वो। She's doing it all over again. I'm not gonna let her do this. मेरे बच्चों को अलग नहीं कर सकते। I'm gonna call the cops. I'm gonna just ruin her life. भाई प्लीज, आप ये क्या कोर्ट पुलिस करते रहते हो? प्लीज अंडरस्टैंड। Yeah, what is it? सर, डॉक्टर पलक अपने ऑफिस में ही है। जैसे आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है, उन्हें रोक के रखा है। वही रोक के रखना उसे, मैं और शिव हमारे। तू यहाँ बर्गर खा रहा है सर, ने पता है किसी लड़की को किडनैप करके रखा है, तुझे पता है इस बारे में? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ है वो? सर रूम में है एंड बहुत मुश्किल से रोक के रखा है। गॉड, स्टूपिड लिफ्ट, चले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम सब लोग ना जेल जाओगे, यू स्टूपिड नॉन्स। ये पलक नहीं है यार, डंपक, ये पलक नहीं है। Exactly. मैं पलक की लीव एप्लीकेशन लेकर आई थी, इन्होंने कहा था ये पलक है सर। और जैसे ही उन्होंने पलक सुना, उन्होंने मुझे ऐसे बांध दिया, जस्ट ओपन। बर्गर खाना बंद कर, खोल उसको उल्लू के पट्टे। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कल ना सुबह उठ के न्यूज पेपर पढ़ लेना। जस्ट यू, यू रास्कल। गॉड, क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? तुम लोग को तो आप जानते हो, पर आपकी फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ है? छुट्टी भी गई, कह रही थी कि कोई फैमिली इमरजेंसी है, कोई आने वाला था उसकी लीव की एप्लीकेशन लेकर। मैं ही। और ये जो आपके बेटे हैं ना, ये गुंडे हैं, एंड योर एंटायर स्टाफ, दे आर ब्लडी क्रिमिनल। पाप को बता कब तक आएंगे वो? चला चला, मैंने दस कुड़ी कौन सी बकवास करके गई हो? पाप, वो सब छोड़ो ना आप, डॉक्टर शर्मा ऐसे कैसे जा सकती है? आपकी फिजियोथेरेपी का क्या होगा? उसने बताया कि वो कब वापस आएगी? मैनू कुछ नहीं पता, पहला तू मैनू दस देते हो की रहा है। बाय द वे पाप, वो प्रगति थी। अच्छा, अबे प्रगति कौन? भाई, भाई 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 भाई, पुलिस को इन्वॉल्व करने से
सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। यू विल ट्रॉमेटाइज द किड्स। तो क्या करूं फिर मैं? एक काम करते हैं, हम लोग बैंक चलते हैं। अगर भाभी ने कोई भी ट्रांजैक्शन किया होगा तो हमें पता चल जाएगा वेयर शी इज। गुड आइडिया, चलो लेट्स गो। आई एम सॉरी सर, हम अपने कस्टमर की डिटेल्स ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। देखिए, इट्स एन इमरजेंसी और आई एम हर हस्बैंड, आप मुझे तो देख सकती है ना सर। यू हैव टू प्रोवाइड मी विद सम लीगल प्रूफ। प्रूफ? या वन सेकेंड। या सर, फोटोज नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। फिर प्रोसेसिंग में एक दो दिन का टाइम लगता है, फिर मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। That means you can help us. Thank you. भाई, उसने आपको ना बोला? Like seriously, I can't believe that she refused you. You the charmer. मतलब लड़की आपसे बात करने के लिए तड़पती है और यहाँ उसे एक इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पाए। हो गया तेरा? नहीं नहीं, मतलब आप देख लो, आपके बच्चों का सवाल है। जी मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, but rules are rules, right? Of course. In fact, I think जैसी आप हैं, it's beautiful. Thank you. I mean you're a strong woman. आपकी conviction है. I admire people like you. काश आप मेरी बीवी होती, you know. अगर आप मेरी बीवी होती तो आज मैं इतना परेशान ना होता। और स्ट्रॉन्ग, लेवल हेडेड, लॉयल गर्ल। एंड आर यू ओके? आई एम। डू यू वांट समथिंग? यू वांट कॉफी और टी, एनीथिंग? सो या, माय वाइफ टर्न्ड आउट टू बी अ लेस्बियन। व्हाट? उसे शादी से पहले पता था, शी हैड फिगर्ड इट आउट। आई मीन, तो फिर क्यों किया मेरे साथ ये सब? उसने सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए मुझसे शादी की, और अब जब बच्चे पैदा हो गए तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे बच्चों को लेके भाग गई। आई मीन, व्हाई डिड शी हैव टू डू ऑल ऑफ दिस टू मी? इसमें मेरे बच्चों की क्या गलती है? तो नन्नी नन्नी सी जाने। हाँ, आई गॉट यूज्ड, बट मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता ना, यू नो। यू हैव सो अंडरस्टैंड, so much character you have, so loyal, so caring. Thank you for talking to me. आपसे बात करके मन हल्का हो गया। So, Ritwik Noon, back in the market? As soon as I get divorced. You surely need my help. Come, I'll tell you the details. And your phone number. Sure. पलक ने आगरा और दिल्ली के बाईपास वाले एटीएम से कैश। हेलो रोहित, सुन, वो वेवट्रॉन सिक्योरिटी सिस्टम तेरे क्लाइंट है ना? हाँ, क्यों? सुन, आई नीड अ हेल्प। पलक ने लास्ट कैश विड्रॉल जो की है वो आगरा और दिल्ली के बाईपास वाले एटीएम से की है। इफ दे आर योर क्लाइंट्स, आई नीड यू टू फाइंड आउट कि उनके सिक्योरिटी सिस्टम में सीसीटीवी कैमरा में पलक दिखी है, और अगर दिखी है तो क्या जिया और दिया उसके साथ हैं या नहीं। ओके, तू पागल हो गया, जासूसी कर रहा है? आ जाएगी यार। हाँ, जैसे पिछली बार वापस आई थी, 6 साल बाद दो बच्चियां लेके। I don't think I can wait that much. Okay? अगर इमेज मिल भी गई थी तो क्या करेगा? ये सब इंफॉर्मेशन से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दी जाती है रिकी, ऐसे ही नहीं। I don't have time for all that. अगर जैसे होगा तो कर ले, I'm not gonna force you. Okay? इतना खाएगी ना फट जाएगी। प्रेस सीटिंग की कीमत तुम क्या जानो अमन बाबू? जानता हूँ मैं, 79 bucks ना। ओहो, ये खाना चाहती है तो खाने देना, तू अपना खाना। सॉरी तारी, बट मैं सिर्फ ये कह रहा था कि स्ट्रेस तो उसे लेना चाहिए जो इसे देखने आ रहा है। नाया यार, इतना स्ट्रेस किस बात का ले रही है, मुझे ये बता। मिलना ही तो है, बस कुछ करना थोड़ी ना यार। आई मीन, व्हाट्स द बिग डील? और वैसे भी एक डील तो उसके लिए है ना। व्हाटएवर। नाया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, मिस्टर मेहरा आते ही होंगे। तो मैं अब मिस्टर मेहरा के लिए तैयार हूँ। यू नीड टू लुक प्रेजेंटेबल बेटा, बड़ा अच्छा घर है, मुंडा भी बड़ा चल रहा है। बट डैड, आई वांट टू वर्क एंड आई वांट टू वर्क विद यू। अरे बेटा, वो भी कर लेना, किसने रोका है तुम्हें? व्हाट्स द रश दैट, बच्ची है यार। बेटे, तुम लोगों को अपने बाप पे भरोसा करना सीखना होगा।
मैं की कह रहा थी मेरे घुटनों का दर्द, डॉक्टर शर्मा दो दिन नहीं आती ना मेरी हालत खराब हो जाती। ऋतिक मुझे पलक ने इस बारे में कुछ नहीं बताया, सीरियसली कोई नंबर वंबर दिख रहा है क्या? आई वॉन्ट माई किड्स बैक, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। ए यार तू रुक जा क्या बोला? देख देखी सोच ले समझ ले, बच्चे तुझे वापस बिना माँ के संभाल नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूँ। Shut up, Rohit. भाई गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा, I'll zoom in. Oh my God. ये लो, मैं भी एक और पाऊंगी। दिया? नहीं, दिया डर गए, दिया डर गए। देख लो दिया, अगर हार जाओगे तो फिर प्राइज नहीं मिलेगा, जो जीतेगा उसी को प्राइज मिलेगा। क्या मिलेगा? जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि हमारे हॉलिडे की नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। मैं भी खाऊंगी। डन? ये तो मैं ही जीतूंगी। What? मैं तो हार गई हूँ, मुझसे और नहीं होगा। Yes! तो ठीक है, क्योंकि आप दोनों जीत गए हो तो मेरे पास एक और गेम है, puzzle. I love puzzle. तो अगर आपने ये puzzle solve कर लिया, तो हम वहीं जाएंगे और वहीं करेंगे जो आप लोग बोलोगे। Done. That's the taxi number. इस नंबर से ढूंढेंगे उसको. Find out. मैडम आपका बिल रेडी है जी। वैसे आपकी बच्चियों ने बड़ी रौनक लगा रखी है, यू कैन एक्सटेंड योर स्टे, हम आपका डिस्काउंट भी दे देंगे। अलग के पास ज्यादा पैसे नहीं, कब तक भागेगी? कभी ना कभी तो उसको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू बट अभी हमें निकलना है। इट वाज अ प्लेजर मैम। मामा किलो है वाइट वाइट मार्बल, लास्ट किलो बनाएगा, मुझे पता है ताजमहल। राइट, और ताजमहल कहाँ है? आगरा में। तो चले फिर आगरा। ये या ओके ओके थैंक यू। उस ड्राइवर ने उन्हें सनव्यू होटल में ड्रॉप किया। ओके ये सो क्यों रहा है? अरे भाई सोने दो ना, वैसे ही बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अब देखो प्रगति को, रिलैक्स होने के लिए स्पा गई है पगली। गाड़ी चला। जानता हूं वो यहीं पर है। रुकिए, रुकिए। देखिए आप इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते। वो इतनी जल्दी यहां से कैसे निकल गई? किडनैप कर लिया उन्होंने, समझ रहे हैं आप? एनी आइडिया वो कहां गई होगी? नहीं बताया तो कुछ नहीं, बस टैक्सी मंगवाई और उसके बाद वो यहां से चली गई। शायद ड्राइवर को कुछ पता होगा। उन्होंने मेरी गाड़ी बीच में ही छोड़ दी थी, उन्हें आगरा जाने का था। यू नो दिस इज एग्जैक्टली हाउ ब्लडी क्रिमिनल ऑपरेट्स। वो मेक श्योर करिए कि मैं उसे ट्रेस ना कर पाऊं। भाई आई थिंक हमें कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करना चाहिए, ये पुलिस वाला मामला भी नहीं होगा, कोई बवाल भी नहीं होगा। सही बोला, चल। क्या हुआ? क्या हुआ क्या होता है? एक तो गुड न्यूज लेके आई हूँ तेरे लिए। गुड न्यूज? यस। क्या? मिस्टर मेहरा इज नॉट कमिंग। ओ माय गॉड, थैंक यू। बहुत खुश होगी तू मोटी। चल चिल कर तू अब। बाय। तो तुमने मुझसे बिना मिले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया, नकुल मेहरा। ओह माय गॉड, मतलब मिस्टर मेहरा का बेटा मुझे स्टॉक कर रहा है। मैंने नहीं किया। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। God! So
डेटिंग बुलशिट ब्लाइंड लव बाद में करेगा वेट इश्यूज एज इफ आई इवन केयर मैं इससे चैट भी क्यों कर रही हूँ इससे कैसे पता है ये सब ताजमहल फनी गाय नकुल मेहरा ताजमहल गाइस दिस इज नॉनसेंस 24 घंटे हो चुके हैं अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला इस स्पाई वाई से कुछ नहीं होने वाला आई एम गोना कॉल द कॉप्स आई विल कॉल द पुलिस ऑन हर हो गया मेरा वो उसके भी बच्चे हैं इसे लेके जा सकती है वो बट शी कांट रन अवे विद द किड्स तुम उसकी सिचुएशन नहीं समझ रहे हो यार कल को तुम्हें कोई धमकी देगा कि तुम्हारे बच्चे तुमसे छीन लिए जाएंगे क्या करोगे तुम मैं तो बहुत खुश होऊंगा ओह रियली बहुत खुश होगे तुम कल को आर्यश और नहीं मिलेंगे तुम्हें बहुत खुश होगे व्हाई वुड यू डू दैट टू मी लिसन जस्ट हाइपोथेटिकली क्या करोगे तुम टेल मी मैं क्यों सोचूं ये सिचुएशन डोंट टेल मी यू आर गोना डू दैट नहीं नहीं तुम बहुत खुश होगे एज इफ यू डिफेंडिंग योर फ्रेंड राइट अरे बहुत समझाया मैंने उसको इतने ज्ञान दिए पूछो अब बोलना आपका नाम तो पलक है ना हाँ पर अभी मैं किसी के साथ हाइड एंड सीक खेल तो इसीलिए कुछ और नाम लिखा ठीक है अच्छा चलो आप इधर बैठो कम हियर दिया मैंने क्या बोला था नेक्स्ट डिल ओके तो अभी हमने क्या देखा वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट क्या है ताजमहल अब ये बताओ कि वर्ल्ड का सबसे प्यारा सबसे लविंग सबसे केयरिंग घर कौन सा है हमने तो वर्ल्ड ही नहीं देखा पर सोचो ना सोचो शायद आपने कहीं देखा हो लेट मी थिंक मॉम हमें टेंट भी तो बनाना है ना पर आप उसे फिट नहीं होगे ये टेंट सिर्फ हमारे लिए आपको अकेले सोना पड़ेगा गुड प्रैक्टिस होनी चाहिए अकेले रहने की कभी भी रहना पड़ सकता है ओके चलो आप टेंट बनाओ और जल्दी से आंसर सोचो ओके चीटिंग करना पड़ेगा चीटिंग है ना फंड नहीं होएगा बट मम्मा को फोन ऑन करना पड़ेगा हाँ तो यूट्यूब देख लेंगे रहती दीदी भी ऐसे सर्च करती थी गाइस स्टॉप इट यार तुम लोग ना बच्चों की तरह लड़ रहे हो स्टॉप दिस एंड से तू तुम्हारी सिचुएशन और मेरी सिचुएशन बहुत अलग है उसने चीट किया था मेरे ऊपर Really? उसने चीट किया था हाउ डू यू नो रीवा और अमन की हेल्प की है उसने डू यू नो दैट गिल्टी कॉन्शियस है वो इसलिए की और तुमने क्या किया थैंक यू बोलने की जगह यू सेंट अ कस्टडी नोटिस इजंट दैट ग्रेट थैंकफुल शी डिजर्व्स इट ओके ऑल राइट इट्स हार्टलेस ऑन योर पार्ट भाई तू ठंड रख ठंडा पानी पी कोल्ड ड्रिंक पी छोड़ बियर पीते हैं चल पलक के बारे में पता चल गया है वो आगरा में है होटल राजव्यू में अपने बच्चों के साथ जैसे ही उनका फोन ऑन हुआ हमने उसे ट्रैक कर लिया